महाराज जी आ दे आ दे। मेरा नाम गोपाल शर्मा है तो पूछ तो लो महाराज जी।, जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती मैं आपसे पूछूं कि हम अपने से बड़ों से आप करके बोलते हैं जैसे मैं अपने पिताजी से आप करके बोलता हूं आपसे आप करके बोलता हूं जो सबके पिता हैं उनको तू करके क्यों बोलते हैं क्योंकि क्यों वो अपनी आत्मा माता तू ही पिता तो इसमें समझो वो अपनी आत्मा है पिताजी आपसे अलग है इनको हम आप करके बोलते हैं लेकिन वो हमारी आत्मा है ठाकुर ठाकुर जी जी और क्या जी आत्मा है ना हमारी इसीलिए तू दयाल दीन हो तो गोस्वामी जी अब इतने दासत्व भाव को भजने वाले और श्री राम जी को क्या कह रहे हैं तू ये नहीं कह रहे कि आप दयाल दीन हो नहीं कर तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी है ना अच्छा हमारे यहाँ हम अपनी श्री जी से बात करते हैं तो तू तय से बात करते हैं अपने पदों में देखो तू तो सखी सयानी तय मेरी एक न नमानी हो तो सो कहत हारी जुगति जुगति सो क्योंकि वो अपनी आत्मा है सम्मान दूसरों का किया जाता है प्रभु हमारी आत्मा इसलिए समझ पा रहे हो ना तो आपको गंभीर होना है जैसे आप हमसे प्रश्न करो तो सिर्फ हमारी तरफ देख रहे हो किसी तरफ नहीं एकदम ऐसे नहीं हमको चरित्रवान बनना पड़ेगा किसी की तरफ हमें जल्दी देखना नहीं है नेत्र रखना है। और खूब नाम जप करना ऑप्टुम सुना दो तो हम सुनने तो कैसे तुम आप बोलते हो तो महाराज मैं आपको ठाकुर जी की कथा सुनाता हूं ठाकुर जी ने बड़ो सुंदर सो श्रृंगार करो कान में कुंडल पहने नाक में नकवी सर पहनी आखन में कारो कचरा लगाए के कमर पे पीलो फैटा बांध के उस पे बंसी अड़ाहे के सिर पे पीली पगड़ी बांध के उसमें बड़ो प्यारो सो मूर पंख अड़ाए के बैचनती माला पहन के उचकती धोती पहन के बड़ी मुस्कान से गए गोपी के पास और बोले गोपी ओ गोपी देखा कि गोपी ने तो सुना ही नहीं फिर बोले गोपी अरे ओ गोपी जैसे ही गोपी ने ये सुना न देखियो कैसो लग रही हूँ सुई गोपी ने महाराज मुंह फेर लिया तो शाम सुंदर बोले कि मेरे श्रृंगार में कुछ कमी है का मेरे मोहरे पे कुछ लग रहा है का गोपी बोली नाये नाये महाराज हम तो ब्रजवासी हैं हम तो प्रसाद प्रसाद पावे अमनिया ना पावे पहले आप बरसाने जाओ राधा रानी को अपने दर्शन करवाओ उनके दर्शन करो और अमनिया में से प्रसाद होके ताके बाद वृंदावन आओ उसके बाद हम सब आपके दर्शन करेंगी आ, यार गजब की बात सुला दी थोड़ी बात सुलाई लेकिन बहुत गजब की बात सुनाई यार ये बात तो इतनी तुमने दर्शा जोर दर्शा की की दर्शा की के सुनाई तुम्हें क्या बताई अब तो दास जल है प्रसादी पावे अब आपके रूप का रस्ता स्वदल तो लड़ली झुक <laughs> रहे बहुत सुंदर सुनाई गए शाम सुंदर बरसाने और राधा रानी को अपने दर्शन करवाए उनके दर्शन करे में से प्रसाद होके ताके बाद आए वृंदावन और बोले गोपी अब तो नेक देख लिया गोपी बोले आहा शाम सुंदर बलिहारी बहुत ही अच्छी लग रही हो बहुत ही लग रही हो बहुत ही सुंदर लग रही हो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बारी को यहीं विराम देता हूँ। الله एक दुपट्टा लाओ और और इसको प्रसाद बहुत ही इच्छा ही आपके दर्शन गवई की आज ये लालसा पूरी भाई। कथा सुनाने की भेंट आपको ये प्रसाद है। प्रसादी प्रसाद करके ये अब अपने आशीर्वाद दे दो बस ये बालक ऐसे ही आ विचार करें। ये ये सब भगवत स्वरूप ही है आए ये जगत मंगल के लिए बस तो हाँ बस चरित्र पर इसके ध्यान दूर <laughs>